सो भाई लोगों, हम आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपनी फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर करना एंड साथ ही अपने चेहरे को स्मूथ करना काफ़ी सबसे अलग तरीके से सीखने वाला। आज तक आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया होगा, ये सच गारंटी। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हो ना गाइस, पक्का आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। अगर आपको भी जानना है इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना है तो आप लोग कुछ नहीं करना है तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना एंड अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो चले गए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, तो गाइस मैं आज को अपने लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोटो के अंदर अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद में आप लोगों को ऑल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर साइड, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, मैं इस फोटो को यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ। तो सिंपल से आप लोग इधर तरफ स्क्रॉल करना है, तो सबसे पहला स्टेप में आप लोग क्या करना है, लाइट को एडजस्ट करना है। तो सिंपली आप लोगों को लाइट पे क्लिक कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइट पे एडजस्ट करना, आप लोग ध्यान से देख लेना। तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ लगभग इतना, एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ऑल लाइट को हल्का सा डिक्रीज एंड ओके, शेडो को हल्का सा ज़्यादा नहीं वाइट को डिक्रीज कर देना। ओके, अब इतना काम कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, कलर का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे साइड, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड नीचे आएंगे थोड़ा सा हल्का सा सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना, ज़्यादा नहीं 10 के आसपास रख लेने। ओके, अब आप लोगों को मिक्स कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड मेन काम है यहाँ पे आप लोगों को जितने भी कलर दिख रहे हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेना। सबसे पहले कलर्स में आप लोग यहाँ पे सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना, जैसे मेरे रेड हो रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो कम ज़्यादा कराऊँ तो एंड ओके। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर, ये मेन आप लोग को अपने चेहरे के अकॉर्डिंग अपने चेहरे का कलर है, अपने चेहरे को वाइट करने के लिए बनाइए, तो आप लोग इसकी लुमिनस को इंक्रीज कर लेना सबसे पहले, तो इतना 100% रख लें और हल्का सा सैचुरेशन को डिक्रीज कर लेना है 10% के अराउंड रख लेना, आपने अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। ओके, आप लोगों को येलो कलर में जाना, अब जो आपने बैकग्राउंड का कलर जो देना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज एंड नेक्स्ट ग्रीन कलर में जाना है, वही को इंक्रीज कर लेना है एंड यहाँ पे सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना है कुछ स्टेप्स। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर बैकग्राउंड का देना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं दे रहा हूँ ना आप लोग को, तो आप लोग भी कुछ स्टेप्स दे लेना है। ओके, नेक्स्ट आप लोग एक और कलर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अपनी शर्ट का कलर को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और गहरा डार्क कर देता हूँ उसको एंड ओके, अब इसका भी कलर को सिचुएशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, सिंपली आप लोग यहाँ पे डन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको डन क्लिक कर देना, सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना। ओके, अब यहाँ से हल्का सा क्लैरिटी को ऐड कर लेना, तो मैं चेहरे पे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्चर और क्लैरिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फोटो काफ़ी मस्त बन जाएगी। नेक्स्ट आप लोग को डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करके शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। ओके, डन, इतना काम कंप्लीट हो चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली यहाँ पे मेरी फोटो देख सकते हो, काफ़ी HD बन चुकी है। अब क्या करना है, अपनी फोटो को सिंपली आप लोग यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर साइड, तो इस पर क्लिक करना है एंड आप लोग यहाँ पे शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए मैं इसको स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो गज मैं आज को अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर एंड आने के बाद मैं सिंपल से आप लोगों को बैकग्राउंड को ब्लर यहीं पे करना सिखाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है, एकदम बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, तो आप लोग कुछ भी मिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे हीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे पहले आप लोग हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे मॉडल की फोटो यहाँ पे रिमूव कर देना है अपने बैकग्राउंड के अंदर से, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, आप भी कुछ स्टेप से कर लेना है, तो जैसे मैं कराऊँ ना तो आप लोग भी कुछ स्टेप से कर लेना है, तो लगभग इतना आप लोग कर लेना है एंड करने के बाद में आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। ओके, थोड़ा सा लोड है, इसका वेट करना पड़ेगा। सिंपल से गाइस इतना होने के बाद में आप लोग को टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड आप लोग यहाँ पे लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग इस पर क्लिक करना है और इसके नीचे आना है, ट्रांजिशन को 0 कर लेना, सर्किल को छोटा करके कुछ स्टेप से छोटा कर लेना एंड नीचे को लेके आ देना है। ओके, 0 कर देना ट्रांजिशन को एंड ब्लर लेंस को 100 कर लेना कुछ इस टाइप से, और सिंपल से आप लोगों को लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना है। ओके, अब गाइस टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डबल एक्सपोज वाला ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, तो इस पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर जाना है और आप लोगों ने जिस भी अभी फोटो एडिट किया ना उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। चले, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लिए एंड आप लोग यहाँ पर बिंदी वाले ऑप्शन पर जाना है, सॉरी मैं उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, बिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना। ओके, बिंदी वाले ऑप्शन देखिए, इसको ओबेसिटी को 100 कर देना है कुछ स्टेप से एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना है।
ऊपर तीर वाला आइकन मिल जाएगा आप लोगों को, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद में यूडिट एंड यहाँ से डबल एक्सपोज यहाँ से बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले ऑप्शन को ऑन करके इस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेना है आप लोग को। एंड करने के बाद में यहाँ से बोर्ड्स की जीरो कर लेना एंड कुछ स्टेप से आप लोग अपनी फोटो को देख लेना है यहाँ पे। एंड कुछ स्टेप से आप लोग अपनी स्किन के बॉडी के ऊपर से बुर्ज को, सॉरी मैं इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ। एंड कुछ स्टेप से आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर से जो भी ब्लर इफेक्ट आ रहा है तो कुछ स्टेप से आप लोग भी इजीली हटा सकते हो। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से करना होगा यहाँ पे, अगर अपनी बॉडी के ऊपर भी हो सकता है तो आप लोग यहाँ से आराम से कर लेना। तो आप लोग भी कुछ स्टेप से कर ही सकते हैं ना, तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। ओके गाइस, इतना कर देने के बाद में आप लोगों को फोटो को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना कुछ इस टाइप से एंड यहाँ से बुर्ज की एज को 100 कर लेना कुछ इस टाइप से। नीचे से आप लोग कुछ इस तरह से कर लेना है आप लोगों को, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। आप नीचे से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से कर दिया ताकि फोटो थोड़ी सी रियलिस्टिक बने अपनी, और यहाँ से राइट क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो काफ़ी मस्त बन चुकी है, एक एक किनारे किनारे पे मैंने पूरे ध्यान से किया है तो काफ़ी मस्त बन चुकी है अपनी फोटो। सिंपल से आप लोग टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड आप लोग लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में सिंपल से आप लोग क्या करना है, इसके ब्लस्टर लेंथ को नीचे को लेके जाना है एंड यहाँ पे ब्लस्टर लेंथ को 15 रख लेना एंड यहाँ से राइट क्लिक कर दीजिएगा कुछ स्टेप से एंड ऊपर तीर वाले आइकन पे क्लिक करना है आप लोग को एंड यूडिट डबल एक्सपोज सॉरी ब्लर लेंस यहाँ से बुर्ज को सिलेक्ट कर लेना है। ओके बुर्ज की जैसे कॉन्डेक्ट कर लेना एंड कुछ स्टेप से फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरह से अपने आप लोग अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से राउंड राउंड करके आप लोग अपने चेहरे को यहाँ से स्मूथ कर लेना है। तो आप लोग बिना ऑटोडेस्क के भी अपने स्नैपशीट में आप लोग चेहरे को काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ कर सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा एंड ध्यान से देखना होगा वीडियो को, जो भी स्टेप बाय मैं समझा रहा हूँ ना, तो आप लोग बिल्कुल स्टेप से देख लेना। तो मैं जैसे बताया ना, आप लोग भी उसी स्टेप से आप लोग अपने चेहरे को स्मूथ कर लेना। तो चलेगा जी, इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके सिंपल से यहाँ से हो जाने के बाद में आप लोगों को नीचे से रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको राइट क्लिक कर देना है एंड यहाँ से हो जाना है बैक। सिंपली आप लोगों को फिर से टूल वाले ऑप्शन पे जाना है एंड डबल एक्सपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों को दो PNG को ऐड कर लेना है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस ये वाला PNG को ऐड कर लेना है एंड करने के बाद में आप लोग को नीचे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में आप लोग इसको लाइटिंग करके इसकी साइज को हल्का सा छोटा करना है एंड कुछ स्टेप से यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से इसको रख देना है यहाँ पे अपने बॉडी यहाँ पे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना है कुछ स्टेप से। फिर से क्या टूल वाले ऑप्शन पर जाके डबल एक्सपोज प्लस वाला आइकन जाके एक और बटरफ्लाई PNG को ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। ले लेने के बाद में क्या आप लोग यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी लाइटिंग कर देना है एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से इसको एडजस्ट कर देना और यहाँ से राइट क्लिक करना है आप लोग को। ऊपर साइड आप लोगों का तीर का ऑप्शन मिल जाएगा, तीर इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद में यूडिट डबल एक्सपोज बुर्ज के सिलेक्ट कर लेना और इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। ओके सिंपल से गाइस, इतना हो जाने के बाद में आप लोग को फिर से टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे बुर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे सिचुएशन वाला बुर्ज मिल जाएगा लास्ट में, तो इस पर क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अपनी फोटो को जूम करना है एंड अपने ऑटो के अंदर कुछ इस टाइप से थोड़ा सा ड्रॉ कर देना, तो जिससे मेरे ऑटो यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा रेड हो जाएंगे एंड यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरी फोटो काफ़ी मस्त तरीके से एडिटिंग हो चुकी है। सिंपल से आप लोग इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद में आप लोग इस फोटो यहाँ से शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ओके तो गज लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद में आप लोग इस बार लाइट को छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो ये रहा कलर वाले ऑप्शन पे आने, मिक्स कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लोग ऊपर साइड, तो इस पर क्लिक कर देना। ओके
फर्स्ट कलर में सेचुरेशन को हल्का सा थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेना, ओके। येलो कलर्स में आना है, लुमिनस को इंक्रीज कर लेना, तो यहाँ पे जैसे चेहरा और ज़्यादा वाइट हो रहा है, देख ही सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे येलो कलर्स में आना है, जो आप अपने बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे इजीली तरीके से आप रख सकते हो, येलो, ब्लैक, ब्लू, जो भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रीन ही रखता हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ स्टेप्स इतना, एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड हुई को कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। एक और कलर्स में इसकी भी सिचुएशन कम ज़्यादा कर लेना आप लोग अपने शर्ट का कलर जितना अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। एंड इसको ब्लू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, एंड सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। नेक्स्ट गज आप लोग को डिटेल सॉरी इफेक्ट या टूल्स पे क्लिक कर देना और थोड़ा सा क्लियर को ऐड कर लेना इस बार। तो यहाँ पे जैसे तो जरा क्लियर काफ़ी क्लियर दिख ही रहा होगा आप लोग को, डिटेल वाले ऑप्शन पे आना है, शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज कर लेना, ओके। अब क्या करना है आप लोग को थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना है अपनी फोटो के अंदर, तो कलर वाले ऑप्शन में जाना है, ऊपर साइड आप लोगों को ग्रेडिएंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना एंड लास्ट में थर्ड नंबर पे ग्रेडिएंट को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे ये वाला ग्रेडिएंट को सिलेक्ट कर लेना, जो आप लोग अच्छा लगे वे कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ ये वाला कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डन, ओके। तो मेरी फोटो यहाँ पे आल्टो वाला डेटा कंप्लीट हो चुके, देख ही सकते हो यहाँ पे। इस फोटो मैंने अपने फोटो बालों के अंदर ऑयल पेंट इफेक्ट नहीं डाला था आप लोग, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं आता तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं तो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इतनी फोटो कंप्लीट एडिटिंग और कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली आप लोग अपनी फोटो को सेव करने के लिए आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपनी फोटो को सेव कर लें।